मैं खिड़की में शक्ल देखने लगा था, भाई साहब बैठे हुए दूसरी बार खिड़की देख लो। प्रतीक भाई सामने 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 भाई अंदर करते हैं ना फोटो, अंदर करते भाई। अच्छा अंदर करते बस, इधर से कर दो गाइस, इधर इधर आने दो। पीछे आ जाओ पीछे आप। बढ़िया भाई, आप कैसे हो भाई? भाई भाई इधर, भाई इधर, आजकल फैशन है। भाई थोड़ा अभी करते ना, थोड़ा जलवा तो दिखा दो भाई, थोड़ा सा जलवा तो दिखा दो, थोड़ा सा भाई दिखा दो एक बार, ट्रेलर दिखा दो भाई। खतरों से खेल के आए हो भाई, भाई खतरों से खेल के आए भाई, इतने डर रहे हो आप? ले लो बैग, ले लो। चलो भाई थोड़ा सा भाई, अभी और जो परिवार थोड़ा सा आप नीचे चलो एक साथ में फोटो कर लेते हैं। आपका सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, क्या कहना चाहिए? उन्होंने गाया है और फीचर भी किया है साथ में गाने में, एंड बहुत ही क्या कहते हैं पेपी, इट्स अ वेरी पेपी पेपी नंबर, और बहुत ही पेपी है, मतलब आप लोग भी अगर गाना सुनेंगे तो नाचने लग जाएंगे। आप ऐसा है मुझे तो बहुत पसंद है एच के म्यूजिक बॉक्स का काम करना, बिकॉज अमेजिंग दे लाइक द वे दे हैंडल द आर्टिस्ट एंड द प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी वेरी नाइस। मैंने उसमें सुना हुआ कि भी करवाया था, कि आई रियली 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 अप्रिशिएट वर्किंग विद एच के म्यूजिक बॉक्स, बिकॉज they do the finest job. But for us, it's like, now it's like a family. Yeah. So like, Kati, whether we don't sign any artists, but we take care of them like our own. We have a very good response. So I'm expecting a lot more, and especially even Biswa, because she's a singer, she's not an actor, but I think she has all the potential to be an actor. And I think for Prateek and Biswa ka jo combination and chemistry jo screen pe aur video mein jo humne laya, it's really so nice.
गाना भी उस तरीके से भी जस्टिस करना वोकल्स में भी गाने को और फिर गाने में फीचर करके उस तरीके से भी जस्टिस करना क्योंकि अपना गाना है। अभी अगर मैं गाऊंगा एक गाना तो मुझे पता है कि मेरे को जितने जितने अच्छे से मैंने उस गाने में गाया है वोकल्स दिए जान दिए अपनी उतने अच्छे से मुझे फीचर भी करना है क्योंकि इट हैज़ टू डू जस्टिस सो और इट इज़ वेरी गुड जॉब। लाइक तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि लोकेशन क्या थी और मैं बताने नहीं वाला। तो बात यह है कि इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट सेटअप एंड आई थिंक बहुत कम जगह में हमने बहुत सारा शूट कर लिया एंड इट वॉज ब्यूटिफुली सेटअप क्या सेटअप था और मतलब मुझे उस दिन देख के पता लगा कि शूट में यार कैसे किसी चीज़ से क्या क्या बन सकता है। व्हेन यू सी ऑन द कैमरा यू वुड नॉट बिलीव कि क्या चीज़ से क्या क्रिएट कर दिया और कैमरा पे क्या पोर्ट्रे होगा। इतना सुंदर वो लगता है, इतना खूबसूरत लगता है एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर केप टाउन की बात करें तो खतरों के खिलाड़ी में कितना खतरा झेला है और इंडिया की बात करते हैं डॉल से दोबारा बहुत कम ही मिलते हो तो इसलिए यही एक मौका मिला है आपसे पूछने। मैं आपसे फिर बार बार मिलूंगा, फिर कल मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, रोज मिलना चाहिए यार। अगर मैं आपसे मिलूंगा तो कौन सी दो? कौन सी दो? एक ही है। एक ही और है। अरे किसी देखा ही नहीं। मतलब ये मैम भी तो हॉट है। अरे क्या बात है? क्या बात है? आई थिंक आई नीड यू विद मी। नीड यू बट दे आई नीड वन मोर हॉट गर्ल। ये मेरी बहन है, सगी बहन। शी मैनेजेस एंटायर एंड हैट्स ऑफ टू हर। शी डज नॉट मैनेज, शी इज द सीईओ। शी इज द सीईओ ऑफ माय ये पूरी मेरी जिंदगी की सीईओ है। कंपनी वंपनी तो छोड़ो, जिंदगी की ही सीईओ है मेरी। मतलब अगर मैं सांस भी ले रहा हूँ तो गिनती है कि इतने सांस ले रहा हूँ। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ ना, अगर मैं सांस भी लेता हूँ तो गिनती है कि एक दिन में कितने सांस लिए। अभी इतने सांस हो गए, अभी अगला सांस सोच के लेना ये हो। नहीं मगर बहुत अच्छे से यू हैंडल इट। इनकी एज इतनी कम है और इतनी कम एज में इतना टैलेंट एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग और एक्सपीरियंस भी बहुत है क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंसान इतना एक्सपीरियंस करता है उससे एक इंसान बेहतर होता है दिन ब दिन एंड द एज दैट शी इज एट शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब सीरियसली एंड शी इज डन अ ग्रेट जॉब। आई थिंक सेम गोज फॉर यू। यार मैं कहाँ, मेरी कौन सी छोटी उम्र, मेरी उम्र तो हो गई है बट कोई नहीं। So we just playing the song, the teaser.